हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमालयन हाईलैंडर। और मैं डाउनटाउन आ गया हूँ, तो आज हम डाउनटाउन की सैर में जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या नई चीज़ें मिलती हैं डाउनटाउन में। तो डाउनटाउन एक्चुअली जो है, जो एरिया है वो फाइनेंशियल हब है सिंगापुर का, और पूरे सिंगापुर से लोग यहीं पर आते हैं। तो चलते हैं आज डाउनटाउन की तरफ। तो ऑफिस आने का भी एरिया है, यहीं पर फाइनेंशियल मार्केट में जॉब करता हूँ, तो मैं यहीं पे ही जॉब करता हूँ। और करीब करीब एक साल से यहाँ पे आ नहीं पाया हूँ, तो पूरी एक साल की जो यादें हैं वो ताज़ा कर रहा हूँ, क्योंकि COVID-19 की वजह से कोई भी यहाँ पे नहीं आ पाया ऑफिस में। तो शायद अभी एक डेढ़ महीने के अंदर जल्दी से जल्दी ऑफिस खुलें, तो देखते हैं जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि घर पर बैठे बैठे तो आदमी थक गया है। सो यहाँ पे इस साइड पे आने का जो मेन रीज़न है आपको डाउनटाउन दिखाने का है। और आई थिंक बाहर बारिश हो रही है, देखते हैं बाहर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। तो ये जो है इलाका, ये डाउनटाउन का इलाका है, और यहाँ पे आपको जितने भी फाइनेंशियल से लेके टेक्नोलॉजी की जितनी कंपनीज है सब यहाँ पे हैं। और आप जानते ही हैं सिंगापुर को एशिया का किंग माना जाता है टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर के मामले में, क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी जो चाइना में काम करती हैं उनका जो मेन हेड ऑफिस होता है वो सिंगापुर में ही होता है, क्योंकि सिंगापुर में बिजनेस के मामले में बहुत ईज है और लोग इसीलिए यहाँ पे अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल के चलते हैं। तो बिल्डिंगें इतनी हैं कि दिखाते दिखाते शायद शाम हो जाए, और इससे बेटर यही है कि दूसरी जगह एक्सप्लोर करें। और सामने जहाँ मैं अब जा रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है, एक शॉपर सेंटर है, पर ये एक ऐसा प्लेस है जो बिल्कुल सेंटर पे, डाउनटाउन के बिल्कुल सेंटर पे खुला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो डाउनटाउन की एक अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी रोड्स हैं वो सारी की सारी वन वे हैं, तो इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया हुआ है। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है डाउनटाउन की, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्चुअली क्या है, रोड वाइज भी इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है कि जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि बीच में एक सेंटर में हो जाता है, फिर एक ट्रैफिक लग जाता है बहुत बड़ा, पर यहाँ पे नहीं लगता कभी भी, क्योंकि सारे की सारी वन वे है और लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा पक्की तरीके से फॉलो करते हैं, तो बहुत कम ट्रैफिक लगता है। फाइनली आई हैव रीच्ड एट डाउनटाउन हॉकर सेंटर, और ये पूरा का पूरा रिनोवेट कर दिया गया है लास्ट 9 मंथ में। द रीज़न इज़ कि अब ये बिल्कुल ही नया लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि जहाँ मैं पहले खाना खाने के लिए जाता था वो वहाँ पे शॉप है ही नहीं।
ये जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फेमस है डाउनटाउन के अंदर। ये एक्चुअली रोड है और शाम को 7 बजे के बाद, 6 या 7 बजे के बाद रोड पूरी बंद हो जाती है और ये स्ट्रीट जो छोटे छोटे जो स्टॉल होते हैं उनके लिए खुल जाती है। आप सामने देख सकते हो अभी एक दो स्टॉल खुले हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज थी इसलिए लोग अपना स्टॉल नहीं खोल पाए। और ये स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यू नो आफ्टर 7। यहाँ पे आपको जितने भी आपको बारबेक्यू और ये चीज़ें हैं वो आपको खाने के लिए मिल जाती हैं। This is setting. This is a pizza shop. The little dip it and I like this. तो यहाँ से अब जाने का टाइम आ गया है और मैं जा रहा हूँ SGX जो है सिंगापुर एक्सचेंज की तरफ जो जस्ट इसी के बगल में है। तो गाइस ये है सिंगापुर एक्सचेंज सेंटर और जैसे अपने इधर BSE होता है वैसे यहाँ पे भी सिंगापुर एक्सचेंज है। आप देख सकते हो कि बड़ा बड़ी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो COVID-19 के चलते बहुत सारी शॉप्स क्लोज हैं और इसलिए मैं ज़्यादा आगे गया नहीं हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिर से वापस उसी स्ट्रीट में जाऊँगा जहाँ पे मैंने अपने सेते खाए थे, कुछ ही सब बारबेक्यू स्पेशली। तो इसके अलावा यही बेटर रहेगा अभी। और जैसे जैसे रात ढल रही है लिटरली सामने का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है। तो इस व्यू को एंजॉय करते हैं यहाँ पे खड़े होके और देखते हैं कितनी जल्दी रात पड़ती है। अब मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन का जो सामने का व्यू है, ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं इनके जो सामने का व्यू जो नज़र आता है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उधर की साइड चलते हैं और वहाँ भी एंजॉय करते हैं, उस वाले व्यू को भी एंजॉय करते हैं। तो जितने भी लोग डाउनटाउन में आते हैं और डाउनटाउन में काम करते हैं सब लोग यहाँ आते हैं फ्राइडे नाइट पे ड्रिंक के लिए। दिस इज़ अ कस्टम हाउस और जितनी भी पार्टीज होती हैं चाहे वो ऑफिस की पार्टी हो या कैसे भी सब लोग मोस्टली यहीं पे आते हैं। तो ये पीछे है मेरे मरीना व्यू और जो मेरे पीछे है जो मैं यहाँ टर्न लेता हूँ ये है डाउनटाउन।
तो डाउन टाउन का जो व्यू है वो आई डोंट थिंक सो इससे ब्यूटीफुल हो सकता है। तो मेरे को यहाँ पे ऑफिस में काम करता है, लिटरली जब ऐसा मौसम हो तो काम दुगना किया जाता है। So finally I have reached at this thing is statue. Singapore ka naam jo hai which is derived from the Sanskrit aur sing means hota hai lion and pur means hota hai city, isliye isko Singapore ke naam se jana jata hai. Aur aap dekh sakte ho it is very beautiful statue and very popular in all over the world aur bahut sare yahan pe log aate hain. जब भी वो सिंगापुर आते हैं इस स्टैचू के पास ज़रूर आते हैं क्योंकि ये एक सिंगापुर के सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। Hey guys, so if you really like this video, please share, subscribe, like and comment. और आपको पीछे का व्यू दिखाते हुए छोड़ता हूँ, इसी वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं और ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।